करण, आपने हमारी विपदा अपने सर ले ली, पर अब चाहे जो हो जाए हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। हम निलंजना जी की माँ के पास जाएंगे, उनसे कहेंगे वो रॉय को ऐसा पागलपन करने से रोके। समय बहुत कम है हमारे पास। मिस्टी मेरी बात सुन बेटा, देख तूने कल से बाल नहीं बनाए, नानी को बनाने दे, कहना मान। नहीं नानी, हमें माँ के हाथ का ही बाल बनवाने हैं, नहीं तो हमें बहुत दर्द होता है। आजा बेटा, आजा बैठ। शाबाश, रहने दो ना प्रमिता, क्यों जबरदस्ती कर रही हो? नीला आएगी तो खुद इसके बाल बना देगी, है ना बेटा? लेकिन मम्मा गई कहाँ है नाना जी? उन्हें फोन कीजिए ना और कहिए कि वो जल्दी आए। मैं जहाँ गई है वहाँ फोन नहीं ले सकता मिष्टी। चल मैं माँ को लेटर लिखता हूँ, तू मुझे बताती जा और मैं लिखता जाऊंगा। ठीक है भैया। भैया ऐसे लिख देना कि हमें उनकी बहुत याद आती है और कि वो जल्दी आ जाए, क्योंकि उनके हाथ का खाना भी हमने बहुत दिनों से नहीं खाया है। उनके बिना कुछ अच्छा नहीं लगता है और रात में भी मुझे बहुत डर लगता है। कौन संभालेगा जो वीरेंद्र को बच्चों को संभालती थी? वो तो इस घर से चली गई। नीलू तू इस घर से क्या गई? इस घर से तो खुशियां ही लूट गई बेटा। गुरुजी ने ठीक कहा था, अगर उस दिन पूजा पूरी नहीं हुई तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। काश नीलू की पूजा उस दिन पूरी हो गई होती। अब तक आपका दिल नहीं भरा हमारे प्यार का इम्तिहान लेकर, जो ऐसे मुकाम पर ला खड़ा कर दिया आपने? क्यों किया ऐसा हमारे साथ, हमारे परिवार के साथ? क्यों छीन ली हमारे परिवार की खुशियाँ? क्यों उजाड़ दिया निलंजना जी के परिवार को, वो भी हमारे करण के हाथों? हम नहीं मानते ये सृष्टि का कोई खेल है, क्योंकि सृष्टि इतनी क्रूर नहीं हो सकती। भगवान, हम जानते हैं आप अपने भक्तों की कठिन से कठिन परीक्षा लेते हैं, पर ये कैसी परीक्षा है जहाँ चक्रव्यूह में हम अकेले खड़े हैं, जहाँ एक तरफ हमारे सुहाग है और एक तरफ हमारे प्यार की जिंदगी है? क्यों इतना उलझा कर रख दिया है आपने? अब इतना उलझाया है तो आपको ही सुलझाना पड़ेगा। इंसान के कर्मों के आगे भगवान भी मजबूर हो जाता है। कौन से कर्म पंडित जी? हमने और करण ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, हमेशा दूसरों की खुशियों को खुद से ऊपर रखा है। फिर ये कौन से कर्म की सजा मिल रही है हमें, जो हमें अपने पति को छोड़कर किसी और की पत्नी बनना पड़े? मनुष्य तो केवल अपने वर्तमान में जीता है, अपने इस जन्म का हिसाब किताब रखता है, लेकिन भगवान के पास उसके सातों जन्मों के कर्मों का लेखा जोखा होता है। अवश्य कोई लेन देन बाकी रहा होगा उस परिवार के साथ तुम्हारा, तभी तो दोनों की नियति ने ये करवट ली है। तुम खुद सोचो, तुम अचानक उससे मिली और उससे एक रिश्ता जुड़ गया तेरा, वो जीवन को त्याग देती तुम्हारे भविष्य की सुरक्षा के लिए, और फिर तेरे ही पति के हाथों से मोक्ष मिलना था सो मिला। ये सब नियति का खेल है, जो हो रहा है
वो किसी निमित्त से हो रहा है। आत्मा की शुद्धि और पिछले जन्म के कर्मों के प्रायश्चित स्वरूप, दोनों परिवार की नियति और कर्मों का संगठित परिणाम है ये बेटा, जो तुम्हें भुगतना ही होगा। नहीं, हम नहीं सहेंगे। हम में इतनी ताकत नहीं कि हम अपने करण से दूर हो जाएं। हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। सुना आपने? विधि के विधान को आज तक कोई नहीं टाल पाया। जो लिखा है वो होकर ही रहेगा। हम बनेंगे आपके बच्चों की माँ। हम बनेंगे निलंजना जी के माँ बाप की बेटी। हम बनेंगे मिसेस बिरेन रॉय। कहाँ भाग रही हो आभा, और किससे भाग रही हो? खुद से या हालात की सच्चाई से? इस हालात की सच्चाई से नहीं भाग सकती हो तुम। तुम्हें इस हालात का सामना करना ही होगा और हिम्मत से आगे बढ़ना होगा। हम ये फैसला कैसे ले माँ? माँ एक औरत के नजरिए से सोचिए। हम एक सुहागन है, सुहागन होकर हम तो ये सोच भी नहीं सकते माँ। और माँ करण और हमें तो भगवान भी अलग नहीं कर सकते, तो ये डॉक्टर रॉय कौन है? और क्यों माने हम ये शर्त? बस इसलिए कि हम मजबूर हैं, हमें उनकी जरूरत है। माँ करण को बचाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, पर जिस रिश्ते को बचाना चाहते हैं उसकी ही बलि दे दे? नहीं, तुम ये शर्त मानकर अपने रिश्ते की बलि नहीं दे रही हो, बल्कि अपना रिश्ता अमर कर रही हो। तुमने सावित्री की कथा नहीं सुनी? सावित्री ने यमराज से प्राण मांगा था उसके पति को प्राप्त करने के लिए। भले तुम्हारा ये बलिदान कहानी नहीं बन जाएगा, लेकिन तुम अपने पति को जीवन दान दोगी। तुम्हें ये करना ही पड़ेगा, ये लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी। माँ करण, हम तन मन आत्मा से करण से जुड़ गए हैं, किसी और से कैसे जुड़ सकते हैं? हमने तुम्हें किसी और से जुड़ने के लिए कब कहा है? जिस इंसान से तुम्हारी शादी होने जा रही है, वो इंसान खुद बदले की आग में जल रहा है। वो अपना प्यार खो चुका है, इसलिए बदला लेना चाहता है। उसने सोचने और समझने की शक्ति खो दी है। लेकिन तुम तो दयालु हो, समझदार हो, क्षमाशील हो। तुम उसे क्षमा नहीं कर सकती हो? जाओ, उसका सामना करो। हमारा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। तुमने करण के नाम का सिंदूर लगाया है आबा, तुम्हें करण से कोई अलग नहीं कर सकता। हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है, और एक माँ का आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता। सीता जी ने भी रावण के और उनके बीच में एक तिनका रखा था, जानती हो ना? लेकिन सीता जी की पवित्रता का तेज इतना था कि अगर रावण भी उसके करीब आने की कोशिश भी करता तो वह भस्म हो जाता। इसी तरह तुम्हारे पास भी कोई भी इंसान आने की कोशिश करता है तो वो भस्म हो जाएगा। ये एक माँ का आशीर्वाद है आभा, ये कदम तुम्हें उठाना ही होगा। ये तुम्हारे पवित्रता की सबसे बड़ी परीक्षा है, और हम जानते हैं इसमें तुम जरूर जीतोगे।
अपने सिंधु को बचाने के लिए एक नई लक्ष्मण रेखा तुम्हें खींचनी ही पड़ेगी। युग बदल गए हैं, लेकिन सीता की अग्नि परीक्षा कभी नहीं बदलेगी। जाओ अभा, अपने करण को बचाओ। सती और सीता की बातें करना बहुत आसान है, लेकिन उनकी तरफ पत्नी धर्म निभाना बहुत मुश्किल। मुझे पता था इस शब्द को नहीं मान सकता। सर, हम और इंतजार नहीं कर सकते ऑपरेशन के लिए। पेशेंट की हालत और सीरियस होती जा रही है। लगता है मिस्टर प्रसाद ने अभी तक तय नहीं किया कि वो मुझसे ऑपरेशन कराना चाहती कि नहीं। आप उन्हें इंग्लैंड के न्यूरोसर्जन डॉक्टर एंड्रू का नंबर दे दीजिए, और हाँ, वो अपना ऑपरेशन कैंसिल कर दीजिए। ठीक है सर, उसकी कोई जरूरत नहीं। आप जाकर तैयारियां कीजिए, डॉक्टर रॉय की फीस चुकाने के लिए हम तैयार हैं। हमें आपकी शर्त मंजूर है। आपके बच्चों की माँ, हम बनेंगे निलंजना जी के माँ बाप की बेटी, हम बनेंगे मिसेस बेरीन रॉय। यही ना कि शायद ऑपरेशन के बाद हम पलट जाएं, पर ऐसा नहीं होगा। और हम ये भी जानते हैं कि आप जैसा इंसान हम पर विश्वास भी नहीं करेगा। इसलिए लाई, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स, अग्रीमेंट पेपर्स हम साइन करने के लिए तैयार। चौंक गए ना, क्योंकि शायद आपने भी नहीं सोचा होगा कि हम इस शर्त के लिए राजी हो जाएंगे। आपने प्यार की ताकत पर सवाल उठाया था। ये है प्यार की ताकत, जो अपने प्यार को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। अगर आपको लगता है कि एक ही ऑपरेशन के बाद करण ठीक हो जाएगा, तो गलत सोचते हैं आप। इतनी आसानी से इस बंधन से नहीं छूट पाएंगे आप। करण को ठीक होने के लिए एक सीरीज ऑफ ऑपरेशन से गुजरना पड़ेगा। ये कॉन्ट्रैक्ट वगैरह तो सिर्फ फॉर्मेलिटी है। पूरी कोशिश करूंगा। ऑपरेशन बहुत रिस्की है, इसमें करण हमेशा के लिए अपाहिज भी हो सकता है, या फिर वो उसकी। डॉक्टर रॉय, हम करण को जिंदा देखना चाहते हैं। और एक बात कह देते हैं, आपके मन में जो नफरत है, उसे ऑपरेशन थिएटर में हावी मत होने दीजिएगा। आपको आपकी निलंजना की कसम। अगर आज हमारे प्यार की परीक्षा है, तो आपके और निलंजना के प्यार की भी परीक्षा है। सर, सब तैयार है ऑपरेशन के लिए, प्लीज चलिए। Oh,
कुटुंबकं यजामहे जो नफरत है उसे ऑपरेशन थिएटर में हावी मत होने दीजिएगा। आपको आपकी निरंजना की कसम। मैडम, आपके पति का ऑपरेशन हो गया है। कैसे हैं आप? कर ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ ना? अरे बताइए ना, कैसे हैं वो? आपको डॉक्टर साहब ने बुलाया है, वो ही आपको अच्छे से बता सकते हैं। ऑपरेशन तो मैंने कर लिया है, लेकिन आने के बाद ही पता चलेगा कि उसकी एक्चुअल कंडीशन क्या है। मतलब आपने उनका ऑपरेशन किया है? आपको तो पता चल जाना चाहिए। डॉक्टर रॉय, आपने ऑपरेशन पूरी ईमानदारी से किया है ना? नीलू की कसम खाई थी मैंने। मैं चाहता भी तब भी कसम तोड़ नहीं सकता था। तो जहां तक करण का सवाल है, तो मैंने पहले कह दिया था कि ऑपरेशन के बाद कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसकी उसकी जान को कोई खतरा नहीं। करण जिंदा है, हमारे लिए वही काफी है। आपकी एक बात तो मुझे बहुत पसंद है मिसेस प्रसाद, कि आप हालातों के साथ समझौता बहुत जल्दी कर लेते हैं।
खैर हमारी शर्त को पूरा करने का वक्त आ गया। दिन्दा, 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 दिन्दा,